हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित सर और आज के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के व्यूज़ को कैसे बढ़ा सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं दो चार दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। इसका वजह यही था कि मैं दो चार दिनों से ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि हमारे यूट्यूब वीडियोज़ पे व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, हम लोग आखिर क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि चार चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने इन चार चीज़ों का ध्यान रखा है और जो चार चीज़ों का ध्यान मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में रखा है उन्हीं चार चीज़ों को बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपना जो प्रूफ है यह दिखाने वाला हूँ। इन चार चीज़ों को मैंने फॉलो किया अपने वीडियो में, इसके बाद आप हमारे यूट्यूब वीडियो का जो व्यूज़ है देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब वीडियो का यहाँ पर YT स्टूडियो मैंने ओपन किया है। YT स्टूडियो ऐप है जिसके तहत आप अपने YouTube वीडियो का एनालिटिक्स चेक करते हो और इस YT स्टूडियो में आप देख सकते हो मेरे वीडियोस का सबसे पहले यहाँ पे जो वीडियो सबसे नंबर वन पे जो वीडियो जाती है इस वीडियो पे व्यूज़ है यहाँ पे 7 लाख। नंबर वन पे जो वीडियो है इस वीडियो पे व्यूज़ है 7,82,174 और इन्हीं चार चीज़ों को मैंने फॉलो किया है जिसके तहत इतना ज़्यादा व्यूज़ आया है। अब दूसरे नंबर पे जो वीडियो आता है इस पे है 39,659 व्यूज़। यहाँ तीसरे नंबर पे व्यूज़ जो आता है वीडियो वहाँ पे है 19,067 व्यूज़, ठीक है, और इसके नीचे 16,273 व्यूज़, ऐसे ही करके व्यूज़ आए हैं। और जैसे कि नीचे की तरफ जो वीडियोज़ है उस पर थोड़े कम व्यूज़ है, इसकी वजह यह है कि मैं उन चार चीज़ों को अभी फॉलो कर रहा हूँ, उन चार चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। वह वीडियोज़ भी अभी व्यूज़ बढ़ना शुरू हो चुके हैं और इतने ही व्यूज़ आएंगे उस वीडियो पर भी, कम से कम लाखों व्यूज़ आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने क्या किन बातों का ध्यान रखा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ आया है। तो सबसे पहले मैं चार चीज़ों आपको मैं बताने वाला हूँ जिसका ध्यान आपको अपने वीडियोस में रखना है। तो सबसे पहले SEO, मैं बता दूँ SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके तहत आपका जो वीडियो है सर्च में आता है। मान लीजिए कोई आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, और आपने यूट्यूब पर उसे अपलोड कर दिया और कोई व्यक्ति अगर सर्च करता है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वह वीडियो सर्च में आना चाहिए तभी लोग आपके वीडियो को देखेंगे। तो अगर आपका वीडियो सर्च में आ जाता है तो आपने SEO अच्छी तरीके से किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं SEO, मैंने तो बता दिया SEO का मतलब ही बता दिया कि SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और किसी भी वीडियो को अगर आप SEO कर देते हैं तो वह वीडियो सर्च में आने लगती है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है CTR, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने SEO कर दिया और आपका वीडियो सर्च में आने लगा, और कोई वीडियो सर्च किया, कोई व्यक्ति सर्च करता है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, और आपका वीडियो जो है सर्च में आ चुका है, लेकिन आपका वीडियो नंबर वन पे आता है सर्च में, लेकिन इसमें ये बात है कि अगर आपके वीडियो का थंबनेल नहीं है तो उस पर लोग क्लिक नहीं करेंगे। यानी कि आपका जो वीडियो का थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए तभी लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसी को बोलते हैं CTR। आपने वीडियो अपलोड किया और आपके वीडियो पर लोग क्लिक कर देते हैं अगर, तो उसे बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। और वह CTR तभी लोग आपके वीडियो पे क्लिक करते हैं तभी जब आपका थंबनेल अच्छा हो, तभी लोग आपके वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो का SEO कर दें, यानी कि सर्च में ला दें, देन उसके बाद CTR का ध्यान रखें, यानी कि उस पर लोग क्लिक करें, और क्लिक तभी करेंगे जब आपका जो थंबनेल है, जब आप अपने YouTube वीडियो अपलोड करते हैं देन उसके ऊपर से एक फ़ोटो लगाया जाता है, और वह फोटो होता है आपके वीडियो जो है किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो है उसी के बारे में उस बैनर पे लिख दिया जाता है और उसे ऊपर की तरफ लगा दिया जाता है वीडियो के ऊपर, उसे ही हम थंबनेल कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जब अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हो और आपका वीडियो का जो व्यूज़ है काफ़ी अच्छा आता है, और आपका वीडियो का जो वीडियो है आपने अपने वीडियो में काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया है और आपने वीडियो में थंबनेल काफ़ी अच्छा लगाया है, तो ये होता है कि जब भी आप अपने वीडियो YouTube पर अपलोड करते हो तो YouTube आपके वीडियो का जो मतलब कि इंप्रेशन है, YouTube आपके वीडियो को कई लोगों तक भेजता है। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूँ, अगर आपका YouTube वीडियो है 600 लोगों के पास जाता है, यानी YouTube 600 लोगों के पास आपका YouTube वीडियो भेजता है, यानी कि उन्हें शो कराता है। जैसे कि आप स्लाइड करते जाते हो उसमें, उसे हम बोलते हैं ब्राउज फीचर। आप जब स्लाइड करते हो ऐसे ब्राउज फीचर उसे बोला जाता है, और किसी भी थ्रू आपका जो वीडियो है YouTube शो करता है, और उन 600 लोगों में से अगर कम से कम 400 से 500 लोग अगर आपका देख लेते हैं वीडियो, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो वीडियो है काफ़ी अच्छा है, इसे हम इम्प्रेशन बोलते हैं। और इसके बाद अगर आपका कम से कम 600 लोगों में से 400 से 500 लोग आपके वीडियो को देख लेते हैं तो YouTube और आगे इम्प्रेशन भेजता है, यानी कि अब 600 लोगों तक YouTube ने इम्प्रेशन भेजा था, यानी कि आपके वीडियो को भेजा था, तो अब आपका वीडियोस को है कम से कम 700-800 लोगों के पास YouTube आपके वीडियोस को भेजेगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं थंबनेल, और थंबनेल का मतलब तो आप जानते हैं, जब YouTube वीडियो अपलोड करते हैं उसके ऊपर जो एक बैनर लगाते हैं कि आपका वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको वो अट्रैक्टिव रखना है। और इन चारों चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आपके जो चैनल का व्यूज 100% गारंटी के साथ ग्रो होगा। और साथ ही साथ जो SEO है, किसी भी वीडियो का SEO कैसे करते हैं और CTR का क्या मामला है, CTR हम कैसे क्या YouTube वीडियो में, जो हमारे YouTube वीडियो का CTR है वो कम ना हो, इम्प्रेशन कैसे बढ़ाएं, और जो थंबनेल है अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, ये सारा कुछ मैं एक एक बारी से अपने वीडियो जो लाऊंगा अगले वीडियो में बताऊंगा कि SEO कैसे करें, और उसके अगले वीडियो में CTR कैसे बढ़ाएं ये बताऊंगा, और उसके वीडियो में इम्प्रेशन कैसे बढ़ाया जाता है ये बताऊंगा, उसके वीडियो में बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है अट्रैक्टिव थंबनेल, ये सारा कुछ वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूं। तो दोस्तों हमें आशा है कि जिन चार चीज़ों को मैंने बोला है वह चार चीज़ आपको समझ आया होगा। इन चार बातों को आप अपनी वीडियो में फॉलो कीजिए और इसके बाद आप बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप अपने इस वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।